झगड़ा छोड़ दीजिए, अब रुकिए ना, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। वो चीमा जी जहाँ बैठे हैं वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, एक बार डिस्कनेक्ट हो चुका है बात, एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए थोड़ा सा। आप लोग तो झगड़ते रहेंगे, आगे भी झगड़ेंगे, ये मामला नहीं रहेगा, कुछ और मामला लेके झगड़ेंगे। किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वैक्सीन के लिए झगड़ेंगे कि हमको इसका वैक्सीन नहीं लगवाना, हमको उसका वैक्सीन नहीं लगवाना। चीमा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक सेकंड चीमा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चीमा जी आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, आप फ्रंट कैमरा आपको ऑन करना पड़ेगा, सामने मोबाइल अपने चेहरे की तरफ करेंगे तो लोग आपको देख के फिर सुन पाएंगे आपकी बात। चीमा जी, सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बात से घबराती है कि किसानों की जिंदगी बेहतर होगी तो क्रेडिट मोदी को मिल जाएगा, इसलिए कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, बहका रही है। क्या वाकई कांग्रेस किसानों को भड़का और बहका रही है? देखो रोहित जी, ऐसा है, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को एक समय पर बेनती करता हूँ कि किसान आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसान की जायज मांगे हैं जो पिछले लंबे अरसे से किसान झेल रहे हैं, और पहली बात किसान यहाँ दिल्ली में अपनी फरियाद लेकर आए हैं